चले बेटा हेडिंग दे दो चार शेयरिंग फिनोमेना। चार शेयरिंग फैम को वेट करने की जाएगी बहुत से जिगर। अभी तक हमने पिछली क्लास में ना वो देखा कैपेसिटर अब कैसे स्टोर चार्ज वगैरह करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे बेटा कि अगर एक चीज पे ऑलरेडी चार्ज है चार्ज किस बुनियाद पे शेयर होता है और चार्ज फिर किस तरह से शेयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास दो कैपेसिटर है, क्या है एक कैपेसिटर से फॉर एग्जाम्पल बेटा इसमें चार्ज है क्यू वन, इसका पोटेंशियल होगा फिर वी वन, से फॉर एग्जाम्पल इसकी कैपेसिटेंस सी वन और इसका रेडियस जो है बेटा वो आर वन, ठीक है। सिमिलरली आपके पास बेटा एक और कैपेसिटर है उसमें तुमने चार्ज दिया क्यू टू, उसका पोटेंशियल होगा फिर वी टू, उसकी कैपेसिटेंस से फॉर एग्जाम्पल बेटा सी टू और उसका रेडियस मान ले यार आर टू, क्लियर। अच्छा ये तो ऑलरेडी कंडीशन लग चुकी है जब तूने इन दो चीजों को इंडिविजुअली चार्ज दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब चार्ज को शेयर कराना है, चार्ज को वो क्या करेगा तू, नाउ बेटा यू आर गोइंग टू कनेक्ट देम बाय मींस ऑफ अ वायर, ठीक। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, चार्ज इज गोइंग टू फ्लो, ओ है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है चार्ज विल फ्लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, हमने सीखा है। एक स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे स्फीयर का पोटेंशियल कम होगा, जिसका ज्यादा होगा वो चार्ज लूज करेगा और जिसका कम होगा वो चार्ज गेन करेगा। कब तक ये काम होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल लेकिन चार्ज सेम हो, पोटेंशियल चार्ज सेम नहीं, चार्ज सेम नहीं, दोनों का जब तक पोटेंशियल सेम होगा तब तक बेटा चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्लियर। अच्छा समझ रहा है कि नहीं। सो चार्ज शेयरिंग विल टेक प्लेस टिल केस बेटा जब ये वाली कंडीशन रेस्टोर हो जाएगी कि इसका भी पोटेंशियल वी हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल वी हो जाएगा, समझ रहा है कि नहीं। चार्ज जस्ट इज का फ्लो कर रहा सच दैट अब इस पे चार्ज मत रहेगा क्यू वन, एमएसने की चेंज वन कर मुत, इसने किया होगा सेफर क्यू वन डैश, इसने कितना बेटा चार्ज दिया होगा फिर क्यू टू डैश, पोटेंशियल लेकिन दोनों का सेम, समझ रहे कि नहीं। इसकी कैपेसिटेंस में तो फर्क नहीं पड़ने वाला, कैपेसिटेंस तो अपनी डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही वो है कि नहीं, कैपेसिटेंस अपनी ही होगी, क्लियर। अच्छा इसका रेडियस बेटा आर वन और इसका रेडियस, तो सवाल क्या आता है, सवाल चुवान किस स्फीयर पे कितना चार्ज, पहली चीज नेट कैपेसिटेंस सिस्टम की कितनी है, दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो कितना हो गया, और बेटा ये भी पूछा जाता है कि जब चार्ज शेयर हो गया व्हाट अबाउट द एनर्जीज, एनर्जीज को क्या हो गया, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या करेंगे, पहली चीज जो कंजर्व रहने वाली है वो क्या है, शाबाश वंस जो चीज कंजर्व रहने वाली है समझने की कोशिश कर, व्हाट वाज द बेटा इनिशियल चार्ज ऑन द सिस्टम, इनिशियल चार्ज शाबाश क्यू वन प्लस क्यू टू था ना, मगर जिसना पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी, बट बेटा आपने शेयर करा है ना तो हम कह रहे हैं बेटा फाइनल चार्ज जो है, फाइनल चार्ज सुबुदास क्यू वन डैश प्लस, मगर तू मानता है क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो है कि नहीं। चल यार बता फिर क्यू वन प्लस क्यू टू विल बी इक्वल टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश, होगा कि नहीं। यार बता क्यू वन क्यू का सम बराबर सी वन वी वन होगा कि नहीं, तेरा सन जी का सी वन वी वन प्लस क्यू टू क्या लिखेगा सी टू वी टू कदज बराबर क्यू वन डैश एज सी वन एग्जैक्टली सी वन वी, क्योंकि पोटेंशियल को ना सेम, तो यहां पर आएगा सी वन वी प्लस सी टू वी, फिक्र शायद ना विच इंप्लाइज बेटा if you want to calculate the common voltage, if you want to calculate the common potential, then it will be equal to C1 plus, C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2.
दिस इज द कॉमन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, जरा इस एक्सप्रेशन को बेटा अच्छे से देख, अच्छे से देख। इफ दिस वेयर वॉज अनचार्ज, क्या था इफ दिस वॉज अनचार्ज, कहने का मतलब ये होगा ना फिर क्यू टू वॉज जीरो, यानी कि एक ही पे चार्ज था दूसरे पे चार्ज नहीं है, तब भी तो वही चीज होने वाली है, चार्ज तो शेयर हो जाएगा, तो तब कितना चार्ज, तब कितना कॉमन पोटेंशियल होगा, शाबाश शुक्र, सुनिए ना, सी वन वी वन ये तो जीरो है, सी टू भी, जब क्यू टू जीरो है तो वी टू भी जीरो है ना, वो है कि नहीं, डिवाइडेड बाय प्लस सी टू, दोनों ही के पास था ना, समझ रहा है कि नहीं। अच्छा ये एक्सप्रेशन आएगी तब कॉमन वोल्टेज की। एक और चीज, वोल्टेज का असली बराबर है स्पुरमुट, हाँ, क्यू बाय सी नेट वोल्टेज होता है, नेट चार्ज बाय नेट कैपेसिटेंस, वो है कि नहीं, जरा इस एक्सप्रेशन को देख, ये है ना नेट वोल्टेज, व्हाट इज सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, ये तो नेट चार्ज है, क्या शुभान दे सी नेट, तो कंपैरिजन से बेटा हम ये देख रहे हैं नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज सी वन प्लस सी टू, वो है कि नहीं, क्लियर। अच्छा कैपेसिटेंस मतलब द टेंडेंसी टू स्टोर चार्ज, पहले इस पे चार्ज था अब इस पे चार्ज था, लेकिन जब जुड़ेंगे तो नेट कैपेसिटेंस बढ़ गई ना, वो भी स्टोर कर रहा है ये भी स्टोर, फिर आपको बाद में कुछ दिन के बाद समझ आने वाला, यस दिस वाज एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन, लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, और ठीक है, लेकिन है ये बेटा पैरेलल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है सेम, यहां पर वोल्टेज दोनों का सेम हो गया, देयरफॉर दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज गिवन बाय द सिंपल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक, वहां पर रेजिस्टेंसेस में सीरीज में सिंपल एडिशन होता था, कैपेसिटेंसेस में उल्टा होता है, पैरेलल्स में सिंपल एडिशन होता है। ठीक है, अभी कुछ देर के बाद इंशाल्लाह समझ आएगा, लेकिन अभी याद रख लो इसको भी चार्ज स्टोर करना था, इसको भी, अब जब इकट्ठा सिस्टम नेट बन गया ना, इसमें दोनों ही चीज है का स्टोर करे, तो नेट कैपेसिटेंस ऑब्वियसली इसका प्लस उसका होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा तो हाँ पोटेंशियल सेम है, उस हिसाब से पैरेलल कांसेप्ट है, तो आगे चल के वो समझ आ जाएगा, लेकिन हम ये चीज निकल पा रहे हैं कि नेट कैपेसिटेंस सिस्टम की C1 प्लस C2 होगी, कॉमन वोल्टेज सिस्टम का C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तीसरी चीज, दबान Q1 डैश कितना होगा, दबान Q2 डैश कितना होगा, समझ रहा है कि नहीं? तो बेटा आप मुझे बताओ, ये हटाओ मैं ये वाला साइड, क्यों यार ये, अच्छा करो कॉपी, हटा नजर रखो, अगर मुझे ये कितने सवाल हो गए इसमें, दो, एक तो हमने कॉमन वोल्टेज निकाला और हमने नेट कैपेसिटेंस निकाली। ठीक है, एक और सवाल पूछता है यार, बोलता है Q1 डैश कितना होगा, Q2 डैश कितना होगा। ठीक है, चल देखते हैं, अगर बेटा मैं ये वाली चीज करूं Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश, सुधर बराबर चार्ज का सब बराबर, हाँ C1 इंटू कॉमन वोल्टेज डिवाइडेड बाय C2 इंटू, होगा कि नहीं यार, V तो दोनों के लिए सेम, तो कॉन्सेप्ट आ रहा है इट इज C1 बाय C2, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उसमें चार्ज ज्यादा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस इज नॉट स्फेरिकल कंडक्टर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, शाबाश, हाँ 4πε0R1 डिवाइडेड बाय 4πε0R2, ये कटेगा इसके साथ, समझ आ रहा है, Q1 डैश बाय Q2 डैश बेटा इट कम्स आउट टू बी R1 बाय तला गुबरा तेरे कर सना 1 ऐड बोथ साइड है, करो 1 ऐड, यू गो Q1 डैश बाय Q2 डैश प्लस 1 इज इक्वल टू R1
by R2 plus 1. मैंने plus क्यों किया? क्योंकि मुझे उसे net charge मिल सकता है. समझ रहा है? मैं minus भी करता लेकिन उससे कोई फायदा नहीं. मैं net charge निकालने के लिए add 1 कर रहा हूँ. उससे क्या होगा? देखो इधर ना LCM जगह Q2 dash है कि मैंने Q1 dash plus Q2 dash वो तो Q है निकल गया ना. It is equal to ऊपर आएगा R1 plus R2 नीचे आएगा R3. समझ रहे कि नहीं? निकालना क्या है मुझे? Q2 dash चार्ज शेयरिंग के बाद एक स्फीयर ने कितना चार्ज गेन किया? न्यू चार्ज. अच्छा ठीक तलावान दिल शाबाश. किसके बराबर आएगा Q2 dash? किसके बराबर आएगा शाबाश? Q2 dash will be equal to इक्वेशन सॉरी तालुक पे योर इज तालुक पे गाइस डिवाइड बाय Q. हां इट इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 plus R है ना. Which implies बेटा Q2 dash comes out to be R2Q divided by R1 plus R. फिर इसी तरह ये चार्ज है दूसरे स्फीयर पहले वाले पे कितना होगा सिमिलरली Q1 dash साथ इस बराबर थे. देखो Q2 के बाद Q1 के बाद सीधी सी बात है जिसका साइज ज्यादा होता है उसमें चार्ज ज्यादा होगा तो क्योंकि साइज में डिपेंड है ना चार्ज कितना स्टोर. तो अश्वा याद जब मैंने आपको बोला था एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है. रीजन यही जो बड़ी बॉडी होगी सोचो ना बल ब्रटे ही सो रिचार्ज क्योंकि मैं वो रिपल्शन ज्यादा मिनिमाइज कर सकता हूं. समझ रहे ना? तो बता Q1 dash is equal to किसके बराबर आएगा? R1 plus याद क्लियर. अच्छा सो दिस इज बेटर. अच्छा आपको जरूरी नहीं इतना ही पूछेगा कुछ और भी पूछेगा. व्हाट इज द चेंज इन द चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी? फिल्सुशन Q1 dash क्या है? फिल्सुशन Q1 क्या है? सब्ट्रैक्ट द टू है कि नहीं? तो बेटा ये कॉपी कर इसके बाद बेटा सवाल ये आता है कि व्हाट अबाउट द एनर्जीज? व्हाट अबाउट द एनर्जीज का कॉन्सेप्ट क्या आपको कह रहा है? आपसे मैं सवाल कर रहा हूं व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द एनर्जी? विल द एनर्जीज बी इक्वल इन द फर्स्ट इन द इनिशियल केस एंड द फाइनल केस और विल देयर बी एनी चेंज? शाबाश. शाबाश. एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी. क्यों होगी कंजर्व? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड. दिया चलो देखते हैं फिर. देखते अगर बेटा मैं इनिशियल एनर्जीज की बात करूं इनिशियल एनर्जीज सच ना इक्वल टू ई वन प्लस ई टू और है कि नहीं? वो किसके बराबर आएगा? शाबाश. वो आएगा E1, it will be half of C1 V1. पढ़ा है ना का स्क्वायर? पढ़ा कि नहीं? प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर. आज मैं प्रॉब्लम ये तो हो गया इनिशियल एनर्जी. गोवा पर आज अगर मैं फाइनल एनर्जी का बराबर फाइनल ऑफ फाइनल हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर सी नेट वी नेट स्क्वायर वो यही आएगा ना क्योंकि जुड़े हैं ना. बात समझने की कोशिश. अच्छा वही हाफ ऑफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ
वी स्क्वायर है ना, तो वही तो होगा, पदीर कॉमन यही होगा ना, तो ये नहीं होगा इसके बराबर हाफ ऑफ सी नेट, अभी देखा सी वन प्लस देखा कि नहीं, वी नेट तो अभी तूने देखा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू, इस सारे का स्क्वायर, इस सारे का यानी कि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, एक कटेगा एक के साथ, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ रही है हाफ ऑफ सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी वन प्लस, तो ये तो फाइनल एनर्जी आ गई। अगर बेटा दोनों एनर्जीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर वैलिड छो तेल का सन्ना असन दोनों में एनर्जीज बराबर, यानी कि जब तू इनको सब्ट्रैक्ट करेगा आंसर क्या आना चाहिए कैसे है। हम जब बेटा ये वाली चीज करते हैं इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी यह आना चाहिए ना जीरो, तो है तो ये चेंज इन एनर्जी, अच्छा कितना अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है तेल क्या कैसे यूनिट जीरो, मगर हम देखते हैं बेटा व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द टू, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी जो हमारा डेल्टा ई आता है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, रादर बेटा इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं किया, इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, कहने का मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा है फाइनल बात समझने की कोशिश कर, एनर्जी का कुछ खर्चा हो चुका है तभी ये पॉजिटिव आएगा, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ इज गिवन बाय बेटा C1 C2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, गार का सकना ई कैसे सब्ट्रैक्ट ई आई माइनस ई आंसर ई है इमाम जीरो, इसी इमाम पॉजिटिव, देखो क्यों पॉजिटिव, V1 माइनस V2 चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो ऊपर स्क्वायर है ना पॉजिटिव, C1 C2 पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव आंसर क्या है, कहने का मतलब एनर्जी हैज बीन लॉस्ट, आपसे सवाल है क्यों एग्जैक्टली व्हाई लेकिन चुना पाकुन इट विल जनरेट हीट एंड दैट हीट एनर्जी हैज टू बी ऑब्वियसली generated by some other source, you cannot create heat, it has been converted from the initial energy part and that heat, isliye ye wire jo hai beta garam ho jayegi, clear cha samajh to raha to beta copy kar lo, sir ne kaise kiya kya batao bata jaldi bata jaldi मानो ये वाला सी नेट कितना दो के लिए अभी पढ़ा सी वन प्लस सी टू वी नेट अभी पढ़ा ना कॉमन वोल्टेज फाइनल वाली केस में वी फाइनल ही होगा ना कॉमन वोल्टेज है सुषमा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइड सी वन प्लस सी टू मैंने सब छूट किया उसका स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर फिर कैंसिल कर दिया किया हटाओ मैं सारा बेटा इस चार शेयरिंग फिनोमेना को एक्सटेंड किया जा सकता है वी कैन एक्सटेंड इट टू द कंसेप्ट ऑफ कोलिएशन जहां पर आपके से फॉर एग्जांपल कुछ गिने चुने ड्रॉप्स है और वो जुड़ रहे हैं और बना रहे हैं एक कॉमन ड्रॉप समझो सवाल चाहिए
अगर तेरे पास फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉप्स है, क्या है एंड्रॉप्स? एंड्रॉप्स की ड्रॉप्स है, हर किसी ड्रॉप का रेडियस आर, हर किसी का चार्ज स्मॉल क्यू, हर किसी का पोटेंशियल स्मॉल वी, हर किसी की कैपेसिटेंस सी, हर किसी की पोटेंशियल एनर्जी यू, ये सब वैलिड है इनिशियल कंडीशंस के, ठीक है। इसके बाद बेटा दीज एंड ड्रॉप्स विल कोलियस, क्या कह सर? कोलियस। वंस दे कोलियस टू फॉर्म व्हाट? एक सिंगल ड्रॉप। तो ऑब्वियस ये बात, कोई बड़ा ड्रॉप बनेगा ना। सवाल से पता क्या शुरू हुआ? इफ एंड ड्रॉप्स कोलियस टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, कैलकुलेट उसका रेडियस कितना, उसका चार्ज कितना, उसका वोल्टेज कितना, उसकी कैपेसिटेंस कितनी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसने बी चार्ज शेयरिंग फिनोमेनन, अच्छा कितना। तो आपसे सवाल है कैसे करेंगे शाबाश। आज का हाई फाई अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो काफी है पढ़ने के लिए और इस क्वेश्चन को समझने के लिए। शाबाश, जरा बताओ क्या करें। बताओ क्या होगा, बता मायरा कैसे करेगी। शाबाश, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? एनर्जी का चाहिए कंजर्व, वही नहीं ना बुतरा चल रहा हूं या पूछता क्यों ना। वन थिंग, इनिशियल चार्ज कितना नहीं, एन टाइम्स स्मॉल, फाइनल भी उतना ही होगा ना, ये ना एक का समझ रहा है। तो तेरे जब ये छोटे छोटे ड्रॉप्स मिल रहे हैं तो नेट चार्ज मत हिसाब, आपका एक पे कितना चार्ज था स्मॉल क्यू। अब जब नई बात होगी तो ये पहली कंडीशन तो मुझे ये समझ आ रही है, जो बड़ा चार्ज होगा स्वाइस बराबर एन टाइम स्मॉल क्यू, रीजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ठीक है वह कंजर्वेशन चार्ज बराबर। दूसरी चीज, रेडियस कोई बता सकता है? एन टाइम्स आपका दिमाग खराब, त्रडो एन टाइम्स स्मॉलर मतलब, जरा सोचो सोचो, आपने क्लास टेंथ पढ़ा, आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ा, आपने वहां पर मिट्टी निकाली कभी जमीन से और फिर उसका बनाया कोई सिलेंडर, वो बना देते ना। हाँ, तब मुझे दुनिया एक सवाल थी चैप्टर में जिसमें आपका कोन होता था वो मेल्ट होता था, फिर उसको किसी और में तब्दील करते थे, वो करते थे ना, समझ होता रहा। तो जो ड्रॉप है, ड्रॉप में मादा जो भरा हुआ है, जब ये जुड़ गए वो मादा कम हो गया कि ज्यादा, सेम रहेगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम होगा, बट व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम? शाबाश, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 4/3 πr³, एक का मल्टीप्लाइड बाय एन, जिगर याद था, नो वॉल्यूम 4/3 πR³, दिमाग लगा, 4/3 πr³ खत्म। तो समझ आ रहा है रेडियस जो होगा वो होगा एन रेज पर 1/3 टाइम्स आर, बढ़ेगा वो लेकिन इनटू एन में क्या है, एन रेज पर 1/3, दिमाग लगाओ। ड्रॉप्स मिलन तादरोज है ना, तेरे वाइड्स मांजस, सो 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 एन टाइम्स निवाद, मगर वो खत्म भी करना है ना, इसीलिए एन टाइम्स नहीं, एन एन का क्यूब रूट तब जाकर, समझ रहा है? गोवा इत क्लियर, इत गोवा क्लियर, पाक से जगरा एम पर मानतम पोटेंशियल्स क्या है, मानस पोटेंशियल को क्या बताएगा? बताओ पोटेंशियल को क्या होगा, दिमाग लगा, भगवान ने की लगा दिमाग बस। अच्छा कैपेसिटेंस को क्या होगा, चलो पहले कैपेसिटेंस ही बताओ, कैपेसिटेंस
इंडिविजुअल क्या है एक बंदे की, जब ये जुड़ गए तो कैपेसिटेंस अब नया स्फीयर बन गया। समझ, इनिशियल कैपेसिटेंस और फाइनल कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम है बेटा। फाइनल कैपेसिटेंस जो है बराबर स्फीयर, कैपेसिटेंस स्फीयर कितनी, 4 pi epsilon naught आर, और है कि नहीं, ये है ना बेटा 4 pi epsilon naught आर के बजाय ये लिखेगा ना, हाँ n रेज पर 1/3 टाइम्स आर, मगर जिगर n रेज पर 1/3 4 pi epsilon naught छोटा आर, व्हाट इज दिस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, दिल क्या है नो कैपेसिटेंस, n रेज पर 1/3 टाइम छोटी कैपेसिटेंस, फिक्र तरह क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो? ओके सर, पिछले वाले केस में आपने बोला वो 2 का कॉमन वोल्टेज हो रहा था, तब तो सिंपल एडिशन किया 2 टाइम्स, आज n रेज पर, क्योंकि बेटा समझो वहां पर कॉमन वोल्टेज की बात हुई, यहां पर कॉमन वोल्टेज नहीं होने वाला, यहां पर वोल्टेज वो नहीं जो यहां पर ऑलरेडी है। देखते हैं चौथी चीज वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज का सम बराबर, हाँ नेट चार्ज का बराबर, नेट कैपेसिटेंस नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज है ना नेट चार्ज बाय नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज कूदा एन टाइम्स क्यू डिवाइड बाय नेट कैपेसिटेंस कितनी, एन रेज पर 1/3 टाइम्स सी, तो ये तो बन गया इंडिविजुअल वोल्टेज बन गया ना, बेस सेम, तो एन रेज पर 1 - 1/3 टाइम्स छोटी वोल्टेज, समझ रहा है? So answer will be n raised to 2/3 times voltage. This will be the new voltage. Voltage badega. Voltage badega. Aur kitna badega? N raised to 2/3 times. Samajh gaya tara? Logical theory one potential energy kya the realize? Potential energy ki baat karo beta, shabash. Coriolis pehle kaise mili isme? कोलियस जी गलत स्पेलिंग मिली मुझे, क्या हो सैंपल, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बता इसे सूर्य फिफ्थ है, पोटेंशियल एनर्जी का तो बराबर परमुच कितना, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर पढ़ा, हाफ ऑफ कैपेसिटेंस कितनी छोटा भी छोटा सी इनटू वोल्टेज कितना, एन रेज पर 2/3 छोटा वी होल स्क्वायर, और है ना जरा बता क्या होगा फिर, एनर्जी का हाफ ऑफ एन रेज पर 1/3 सी इनटू एन रेज पर 4/3 वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ये क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो बता यार नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, एन रेज पर 1/3 एन रेज पर 4/3 गुना एन रेज पर 5/3 टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल, फिक्र तो रहा, सब क्वेश्चंस हो गए ना इसी में, अब जुड़ेगा कोई सवाल में पोटेंशियल पूछेगा, कहीं कुछ पूछेगा तो खुद कर लेना आप, ठीक है? होमवर्क सुन लो यार, होमवर्क सुन लो, सो बबल्स देखे हैं क्लास 10 सरफेस टेंशन फ्लूइड्स, सो बबल चेंज करो सो वो एक टॉय आता है अच्छा फोक बड़ा कुछ बना बबल्स है ना, अगर एक सोप बबल पे चार्ज देंगे क्या देंगे, समझने की कोशिश करो उस चार्ज की वजह से वो क्या करना चाहेगा, चार्ज जब दे दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंशन होने की कोशिश होती है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था दरअसल चार्ज चाहता है अपने रिपल्शन मिनिमाइज कर, साइज अगर ये है ईश्वर का बोर्ड का साहब तेरी हेल्प से कहा था ना, तो मुझे बता बड़ा होना मतलब फट जाएगा ना, फिर फट जाएगा ना, सवाल ये है बेटा अगर आपके पास एक सोप बबल है और आप इसमें चार्ज दे रहे हो क्यू फॉर व्हाट कंडीशन, फॉर व्हाट विल दिस सोप बबल स्टे इन इक्विलिब्रियम, स्टे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होनी चाहिए जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर उससे ज्यादा हो गई तो फट जाएगा, ठीक है? आई विल स्टॉप।